हेलो, हम आज हम सेट चैप्टर के मैथ के सेट चैप्टर के आठवां जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें एक आसान भी है और एक ट्रिक भी लगानी है। ओके, तो ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास क्लास 60 स्टडीज इंग्लिश एंड 22 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास 16 स्टडीज इंग्लिश 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स 5 स्टडीज इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स एंड 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स एंड 2 स्टडी ऑल ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। इफ ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। पहला फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीज इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, और दूसरा फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीज इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब हमें आप सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले आप सेट के अंदर एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखना कि और अगर सेट के अंदर गिवन है तो इसका मतलब है यूनियन, और एंड अगर गिवन है तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो वो उसी आठवें क्वेश्चन का है सॉल्यूशन। तो कुछ इस प्रकार होगा। पहले हम लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ए हमारा इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें 16 है, बी में बी हमारा अकाउंटेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें 22 है, और सी हमारा इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 26 एलिमेंट है। तो वो कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 5 आई है और हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, पहले में हमें फाइंड करना था जो होगा 7, और फिर दूसरे में फाइंड करना था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी। तो इसका हम कुछ इस प्रकार आंसर है, जिसका आंसर है 5। थैंक यू। अगर आपको सही से समझना है तो कमेंट करें, मैं आपके इस क्वेश्चन का लिंक भेज दूंगा। ओके, अगर आपको सही से समझना है तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करें। थैंक यू।